और दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, खास तौर से यूपी SSSC के सारे अपडेट्स आपको प्रदान किए जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी SSSC से जारी हुए आज एक नोटिफिकेशन की। थोड़ी देर पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि यूपी PCL से एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, और आज यूपी SSSC से एक और भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। तो आइए हम लोग सीधे विज्ञापन को ही देखते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यूपी SSSC के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दें। यूपी SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये नोटिस मिल जाएगी, और इसमें ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानकारी दी गई है कि इसकी जो ऑनलाइन के आवेदन है वो आज से ही शुरू हो गए 3 अगस्त से। लास्ट डेट 24 अगस्त की दी गई है, और संशोधन के लिए 31 तारीख तक आप लोग संशोधित कर सकते हैं अपने आवेदन को। यहाँ पर ये जो विज्ञापन है वो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के लगभग 2693 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अब देखेंगे इसकी योग्यता इत्यादि क्या है। तो 2693 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है, और आज से ही इसके जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। यूपी SSSC PET पास विद्यार्थी ही इसके लिए आवेदन करेंगे, और यहाँ पर ये बताया गया है कि यूपी SSSC जो पास विद्यार्थी हैं उनका कट ऑफ इत्यादि कितना होना चाहिए। बहुत सारी जानकारियाँ उसके पहले दी गई हैं, कितने रुपये का फॉर्म है, 25 रुपये का फॉर्म है, इसके लिए योग्यता क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगी। और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट में तो है ही है। टेलीग्राम चैनल अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो इस तरीके नोटिफिकेशन सभी नोटिफिकेशन उसमें डाल दिए जाते हैं। आसानी ये रहती है, अगर आपको कोई पुराना नोटिफिकेशन ढूंढना हो तो सीधे आप उसको घुमाते रहिए, ऊपर आपको पुराना नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। ये वैकेंसी है, पदों का विवरण दिया है, जनरल के 1079 यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति के 565, 53 ST के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 727 पद हैं, EWS के 269, 2693 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए लिखा है विभाग का नाम, किस विभाग से भर्ती निकली है, और इसके नीचे यहाँ पर योग्यता यहाँ पर ये देखिए साफ साफ लिखी हुई, छोटा सा विज्ञापन, छोटा सा वीडियो है, सभी विद्यार्थी देखें चाहे वो आवेदन करें या ना करें। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस नियमावली के अंतर्गत किसी एक विषय में विद्यार्थी को, यानी कि या तो समाज शास्त्र में या गृह विज्ञान में और बाल विकास, ये गृह विज्ञान पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके मान्यता प्राप्त समकक्ष की कोई उपाधि। तो अगर इन विषयों से आपने स्नातक किया हो, यानी कि सोशियोलॉजी से आपने किया हो, या सोशल वर्क से किया हो, या होम साइंस से किया हो, या पोषण और बाल विकास के साथ में आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो इसके लिए आवेदन कर पाएंगी। अधिमानी अर्हता हमेशा वैकेंसी में रहती है, ये जब दो विद्यार्थियों के नंबर बराबर होते हैं तब ये ध्यान दिया जाता है, वहाँ की इसकी कोई अहमियत नहीं है। जो अधिमानी अर्हता है, आयु देख लीजिए 21 से 40 साल की है, और छूट भी दिया गया है। चयन का आधार यहाँ पर लिखा हुआ है, समूह के पदों पर सीधी भर्ती के लिए जो नियम है कि PET पास जो विद्यार्थी हैं वो इसमें आवेदन करेंगे, और लिखित परीक्षा के आधार पर यह भर्ती होगी। साक्षात्कार हटा दिया गया, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई कि अब जितनी भी समूह की भर्तियाँ हैं उसमें साक्षात्कार नहीं होगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ कि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है तो आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक ही दिन में किया जाएगा, और या एक से अधिक शिफ्टों में। अगर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो अधिक शिफ्टों में होगी, नहीं तो एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो जाएगी, अगर अधिक शिफ्टों में होगी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जितने पद होंगे उसका 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा परसेंटाइल के आधार पर। लिखा है कि मुख्य सेविका की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना भर्तियों अंतिम कटाफ परसेंटाइल 0.02 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा पदों के 15 गुना विद्यार्थियों को। अभी ये निश्चित कटऑफ नहीं बताया गया, सभी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो परीक्षा प्रारूप इत्यादि के बारे में सिलेबस के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। ये हो गया आज का वीडियो, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।